जब तुम जानते हो कि करण जो कर रहा है वो गलत है, तो फिर उसका साथ क्यों दे रहे हो? जवाब तो ऋषभ। करीना, वो आपको याद है कि जब डैड को फर्स्ट टाइम हार्ट अटैक आया था, मैं बहुत छोटा था ना, कितना यंग था, सही गलत के बारे में फैसला करना भी नहीं जानता था, कुछ भी नहीं जानता था, कितना नाइव था। उस वक्त आप मेरे पास आई थी और आपने मेरा हाथ पकड़ के मुझे चीजें समझाई थी, सिखाई थी। सही मायनों में तो आप ही मेरे मेंटर हो ना। इन बातों के अलावा आपने मुझे ये भी सिखाया था कि ऋषभ, हमेशा परिवार के साथ रहना, जो भी करोगे परिवार के लिए करना, और मैंने वही किया करीना, वो हमेशा सिर्फ आपकी बात को फॉलो किया और कुछ नहीं, आज तक भी करता आ रहा हूं। शायद उस वक्त अपने आप भी चलने के लायक नहीं था, लेकिन आपकी बातों पे, आपकी सीख पर चला, पूरा बिजनेस संभाला, घर को संभाला, हर किसी को संभाला, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर के, लेकिन फिर भी डैड की तरह डैड की जगह नहीं ले पाया। मैं डैड की जगह लेना भी नहीं चाहता हूँ करीना को, सच में। उनके सारे सपने, उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनको निभाना चाहता हूँ, आप सबको प्राउड फील करवाना चाहता हूँ। आपको याद है करीना बुआ, आपने मुझे एक दिन मेरा हाथ पकड़ के मुझे एक बात बोली थी कि ऋषभ, जब अपना परिवार एक साथ होता है ना, दिल से, परिवार से, रिश्तों से, एक दूसरे के सुख दुख में, धूप छाँव में, जब एक साथ होता है ना, तो उससे स्ट्रॉन्ग कभी कुछ नहीं होता। कभी ऐसे परिवार को कोई तोड़ नहीं सकता, और मैं अपने परिवार को ना बिखरते हुए नहीं देख सकता करीना बो। जब वही हाथ खुलता है ना, तो रेत की तरह बिखर जाता, और मैं ये सब नहीं देख सकता करीना बो। ऐसे परिवार को कभी कोई बचा नहीं सकता। मैं अपने पूरे परिवार को ऐसे रखना चाहता हूँ, एक दिन, एक महीना, एक साल के लिए नहीं करीना बुआ, अपनी आखिरी सांस तक ऐसे रखना चाहता हूँ। आप सबसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं जो करता हूँ वो करता हूँ करीना बुआ, इसलिए मैं करण की साइड लेता हूँ करीना बुआ। आप समझ रही है ना करीना बुआ, मैं क्यों करता हूँ ये सब? आपने आज तक जो भी सिखाया है ना, मैं उस पर ही चला हूँ और उस पर ही चलना चाहता हूँ। आज जो करण ने किया ना, आपको वो आज शायद गलत लग रहा है, लेकिन जब रिश्तों को एक साथ लेकर चलते हैं ना, तो आप ही ने कहा था ना, गलत और सही नहीं देखते, सिर्फ रिश्ते देखते हैं। और मैं रिश्ते ही देख रहा हूँ, अपने भाई को देख रहा हूँ। आपको तो मालूम है ना कितना प्यार करता हूँ इसको, इसको तो मैं इतना प्यार करता हूँ कि मुझे खुद, मैं अपने आप से नाराज हो जाता हूँ। पता है क्यों? कि मैं इससे इतना प्यार क्यों करता हूँ? क्योंकि इसकी वजह से मैं डिस्टर्ब रहता हूँ। लेकिन आपको तो खुश होना चाहिए ना कि मैं इसको इतना प्यार करता हूँ, आप सबसे इतना प्यार करता हूँ, है ना करीना बो? मैं जानती हूँ पुत्र, तू करण को बहुत प्यार करता है, शायद इसलिए करण तुझे सौतेली माँ कहता है। वाह जी वाह, आई मीन सारे अच्छे काम मैं कर रहा हूँ, वो भी अच्छी इंटेंशन के साथ, और प्यार सारा इसको मिल रहा है, दिस इज रॉन्ग। अब तू सारा प्यार लेके जाएगा? That's so cool. वैसे एक बात बता, जो तूने अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली, इमोशनल बातें, ये सब तूने खुद दिल से बोली या बुआ ने बोला? इसलिए बोला, मार पड़ेगी ना इतनी के तो याद करेगा, समझ में आया? तेरे भाई ने तो जिंदगी में बहुत कुछ सीख लिया, अब तेरी बारी है, तुझे सिखाऊंगा। अनु बिल्कुल नहीं सुधरोगे ना, इतनी सीरियस सिचुएशन में भी मजाक हद करते हो। तू तो घर का बड़ा है, और तू आंटी, एक बात पूछो। हाँ। किस तरह की फैमिली है ये आपकी? बहुत प्यार है मेरी फैमिली में, इस प्यार की वजह से तो मैं जिंदा हूँ, इसी प्यार की वजह से इस उम्र तक मैं जिंदगी को काट नहीं रही, जिंदगी को जी रही। करण, काफी देर हो चुकी है बेटा, जा जाके फ्रेश अप हो जा। नहीं मॉम, जब तक इसे होश नहीं आ जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तेरा दिमाग खराब हो गया? चिंता क्यों कर रहा है? हम सब यहीं पे हैं, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। करण, कहीं नहीं जाऊंगा। अरे कहीं कोई नहीं जा रहा, तू जा, मॉम सही करें, जा जाके चेंज कर, और तू भी जा। मैं भी जा, जाके चेंज करके चलो जाओ।
ऋषभ बेटा, मैंने तुम्हें ये समझाया था कि फैमिली का साथ देना चाहिए, फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, पर प्रीता अरोरा हमारी फैमिली नहीं है। वो एक भागी हुई मुजरिम है, उसे सपोर्ट करना सही बात नहीं है। और ये मर्डरर, गुंडा, पता नहीं कौन, इसे यहाँ पे नहीं होना चाहिए, पुलिस स्टेशन में होना चाहिए, लेकिन तुम सब लोगों ने इसे यहाँ बांध के रखा है। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, हो क्या रहा है इस घर में? ऐसा क्या मांग ली है? क्या गलत चाहती हूँ मैं? सिर्फ वही मांगा है, सिर्फ वही चाहती हूँ जो मुझसे प्रॉमिस किया गया था, जो मुझे बोला गया था कि वो मेरा ही है। तेरा फैमिली ने खुद मुझसे प्रॉमिस किया था, करीना आंटी ने मुझसे कहा था। चल, मैं किसी के पास नहीं गई थी, मैंने किसी से नहीं कहा था कि मैं करण से प्यार करती हूँ, मेरी शादी करा दो। करीना आंटी आई थी मेरे पास, उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या तुम करण से शादी करना चाहती हो, तो उसके बाद ये सब कुछ क्यों? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरी पूरी मीडिया के सामने अनाउंस किया गया था, सबको पता है, एक एक हेडलाइन बाय हार्ट याद है मुझे, सारी कटिंग संभाल के रखी है मैंने। करण की शादी मायरा खन्ना से होने वाली है। कौन है मायरा खन्ना? करण इज अबाउट टू गेट एंगेज टू मायरा खन्ना। उसके बाद और मैं ये करण प्रीता किसी के भी बीच में नहीं आई हूं। मैं ऑफिशियली तो करण पर सिर्फ मेरा हक बनता है, राइट? किसी और का नहीं, और ऑफिशियली क्या, पर्सनली, टेक्निकली, हर तरह से सिर्फ मेरा हक बनता है। मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ, प्रीता नहीं। मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं सिर्फ वो मांग रही हूँ जो मुझसे प्रॉमिस किया गया था, नथिंग एल्स। इंसान तो अपनी हर छोटी छोटी चीज के लिए लड़ता है ना। मेरी तो पूरी इमेज, पूरी रेप्यूटेशन, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, सारे रिश्ते, सब कुछ जुड़े हुए हैं। मैं ऐसे कैसे जाने दूँ? मैं भी लड़ूंगी, मैं अपनी सारी चीजें ऐसे ही थोड़ी जाने दे सकती। जो मेरा है वो मेरा है, और इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं शट अप, कितना बोल रही हूँ, कब से तुम्हें कह रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए चुप रहो, कितना ड्रामा करती हो। और मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि तुम दिल से लड़ रही हो कि दिमाग से लड़ रही हो। लेकिन जो तुमने प्रीता के साथ किया है ना, बहुत गलत किया। ऐसे क्या देख रही हो? तुमने उसे ट्रक के सामने धक्का दे दिया। तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? दिया मैंने धक्का, मैंने प्रीता को धक्का दिया तुम्हारे कहने पर। हाँ तो मैं कहूंगी कि कुएं में कूद जा तो कूद जाओगी क्या? चलो, तुम पे सारा भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। कैसे हो तुम? तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मेरा साथ दोगी, और अब तुम भी ऐसे कर रही हो। मायरा, काम डाउन। मैं सिर्फ ये देखने की कोशिश कर रही थी कि तुम प्रेशर हैंडल कर सकती हो कि नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, ठीक है? मायरा, करण चाचा से बात करो। मायरा, गो गो मायरा। करण, करण, मुझे ऐसा लगता है, मैं भी सोच रही थी कि तुम्हें पुलिस को बुला लेना चाहिए, वो इस मैटर को ना ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर लेगी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? करण, मुझे गलत मत समझो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो भी ये हो रहा है ना, तुम कर रहे हो, ये कानून की नज़रों में गलत है। आई नो, क्या सही और क्या गलत मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। मैं ऐसी सिचुएशंस पहले भी हैंडल कर चुका हूँ, तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। करण, ये गलत है, तुम समझ नहीं रहे हो, इट्स रॉन्ग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्योंकि मायरा, मैंने कब कहा कि मैं एक परफेक्ट इंसान हूँ? मैंने पहले भी बहुत कुछ ऐसा किया जो गलत है। थैंक यू। करण, तू मेरी बात सुनने से रहा, एक काम करती हूँ, नीचे जाती हूँ, करीना आंटी से बात करती हूँ, उन्हें एक्सप्लेन करती हूँ कि ये सब कुछ गलत हो रहा है। और सिर्फ करीना आंटी ही क्यों, ऋषभ दादी, राखी आंटी, सबको एक्सप्लेन करती हूँ, सबको समझाती हूँ। ये क्या हो रहा है भाभी? आप करण से बात क्यों नहीं करती, उसे समझाती क्यों नहीं है? मॉम, आप तो इस घर की बड़ी है ना, आप कुछ क्यों नहीं कह रही हैं?
समझ में नहीं आ रहा है आप लोग कितनी इंडिफरेंट बिहेव क्यों कर रहे हैं। करीना जो बोल रही है वो ठीक बोल रही है, आप लोग सुनते क्यों नहीं है। रमोना तू बीच में मत बोल। क्यों राखी, क्यों नहीं बोलूं? रमोना ये तेरी बेटी का मैटर नहीं है, तो इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं, ये मेरे बेटे का मैटर है, तो प्लीज। भाभी क्या हो गया आपको, किस तरह से बात कर रही हैं आप रमोना से? मम्मा मामी जी कुछ गलत तो नहीं कह रही है ना? कृतिका कितनी बार कहा है तुमसे जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में मत बोला करो, बहुत शौक है तुम्हें सबके सामने अपनी बेइज्जती करवाना। मम्मा सबके सामने कौन, ये सब तो मेरी फैमिली है ना, हमारी फैमिली। और मम्मा अपनी फैमिली के अंदर छोटा हो या बड़ा हर किसी को अपनी ओपिनियन रखने का हक होता है। पेरेंट्स बच्चों को ये राइट देते हैं मम्मा, और बच्चे ये राइट लेते हैं। ये बात मुझे नानी जी ने सिखाई है ना नानी जी? शट अप कृतिका। करीना कृतिका को जो मैंने संस्कार दिए, जो बच्चों को मैंने सिखाया है सही और गलत का फर्क करना, वही हमें बता रही है वो। इस वक्त वो सही है मॉम आप। और जहाँ ये गुंडे की बात है, इस घर में उसका होना, उसके लिए मैं तेरे साथ हूँ, वहाँ तू सही है। अगर हम सबको इतने अच्छे से पता है क्या गलत है क्या सही है, तो ऐसे चुपचाप हम गलत का साथ क्यों दे रहे हैं? बात सिर्फ इस गुंडे की या प्रीता की नहीं है, हम सबकी भी तो है ना। जब भी ये बात बाहर जाएगी, एंड आई एम प्रिटी श्योर बहुत जल्दी बाहर सबको पता चल जाएगा, तो आप सब लोग जानते हैं ना, एक फरार कैदी और ऐसे गुंडे को किडनैप करने के जुर्म पे हम सब पर भी तो क्राइम चार्जेस लग सकते हैं ना। अच्छा तुम्हें कैसे पता, तुम लॉयर हो, लॉ की कोई पढ़ाई की है नहीं, कैसे पता बताओ ना। मीर मायरा, तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि प्रीता जी और इस गुंडे को इसी वक्त इस घर से चले जाना चाहिए, पर वो शायद इसलिए क्योंकि तुम प्रीता जी को पसंद नहीं करते हो। ऋषभ तुम ऐसे मुझ पर ब्लेम क्यों लगा रहे हो? तुम तो मुझे बचपन से जानते हो ना, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं बस इस फैमिली को एक नई मुसीबत से बचाने की कोशिश कर रही हूँ, दैट्स इट। मुझे पता है करण जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है, वो इस समय बहुत गुस्से में है, इसलिए सबको पता है कोई कुछ बोल नहीं रहा है। मैं तुम्हें एक चीज सजेस्ट करता हूँ, जो सही गलत का फैसला है ना, ये तुम हमारे पर छोड़ दो, वी विल डील विद इट। तुम अंदर जाओ और रेस्ट करो, ओके? मुझे ऐसा लगता है जो करण कर रहा है वो एकदम सही कर रहा है। सृष्टि के दो दो मिस कॉल्स, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? करण प्रीता जी को घर लाया ये तो समझ में आता है, वो उनको बचाना चाहता है, पर इस गुंडे को साथ में क्यों लेकर आया? इस गुंडे का प्रीता जी के केस के साथ कनेक्शन क्या हो सकता है? कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात भी नहीं है। अरे सारी दुनिया को दवाई लगाती है और क्या कहती है कि बस थोड़ा सा जलेगा उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, तो खुद को नहीं लगा सकती? प्रीता अरोड़ा, थोड़ा सा जलेगा उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। हे राम, पर थोड़ा सा तो जलेगा ना। या तो मैं रहने देती हूँ, इतनी बड़ी बात भी नहीं है, छोटी सी तो कर हो जाइए। वैसे तो मैंने क्लीन कर ही लिया है, इसको खुला ही छोटी तुम मेरा मतलब तुम क्यों लगा रहे हो? मैं खुद लगा लूंगी, मैं डॉक्टर हूँ। मुझे तुमसे अच्छी दवाई लगानी आती है। आती होगी, बहुत अच्छे से आती होगी। सब कुछ छोड़ो, जस्ट लुक इनटू माय आईज। तुम मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश मत करो, जितना स्मार्ट तुम अपने आप को समझते हो ना उतने हो नहीं, और वैसे भी तुम ये चोट देख रहे हो, इतनी सी तो है, इससे तुम्हें खुला छोड़ देती हूँ, अपने आप ठीक हो जाती है, हटो। प्रीतोड़ा तुमने बिल्कुल नहीं सोची, हमेशा तुम्हारी नाक पे गुस्सा बैठा रहता है, जब देखो लड़ती रहती हूँ मुझसे क्यों? और वैसे भी ये मेरा घर है, तुम मेरे घर पर हो, अगर तुम्हें लड़ना है ना मुझसे निकलो यहाँ से, मेरे घर से अभी के अभी निकलो। ये तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं कह रहा, अपॉइंटमेंट लग गई। हाँ?
That's what I was saying. देखा, तुम्हें दर्द भी नहीं हुआ और दवाई भी लग गई। मैं यही कह रहा था, तुम्हारे दिमाग ने दर्द का सिग्नल ही नहीं दिया। इसे कहते हैं शॉक थेरेपी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये लो, तुमने मुझे झूठ बोला। You played me. अरे तो मैंने तुम्हें दवाई लगाई। प्लीज और देखो, मानो देखो लाइट चाहिए। प्लीज और तुम डॉक्टर तुम दिल नु मार गया प्यार विच जिते आ वो जो दिल नु हार गया तेरे खाबा दे सहारे रात दिन मैं गुजारे सच्चे आशिक जुदाइयां हंस के रह जाते ने तेरे खाबा दे सहारे रात दिन मैं गुजारे सच्चे आशिक जुदाइयां हंस के सह जाते ने ओ अखियां जद जद मैं खोला ओ दिन याद आते ने देख के अज भी है तेनू मेरे सा रुक जाते ने ओ अखियां जद जद मैं खोला ओ दिन याद आते जद मैं खोला ओ दिन याद आते ने देख के अज भी है तेनू मेरे सा रुक जाते दुनिया में सारी भुला दूंगी भुलाओ 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 मेरी माहिया जो कहे तेरे आसमानों को मैं तारों के नाम सजा दूंगी सजाओ 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 मेरी माहिया जिसको यार है मिला उसने पा लिया खुदा जेड़े प्यार नहीं करते अरे सारी ऑर्नमेंट ही निकल गई। रुको हाँ अनडा मैं ही लगाऊंगा बैठो। आशिक जुदाइयां हंस के सह जाते ने ओ अखियां जद जद मैं खोला ओ दिन याद आते ने देख के अज भी है तेनू मेरे सा रुक जाते ने ओ अखियां जद जद मैं खोला ओ दिन याद आते इतनी जोर से चोट लगी है। I'm fine. तुमने नोटिस नहीं किया क्या? वो देखो तुम्हारी जैकेट की वजह से जख्म और गहरा हो रहा होगा। जैकेट उतारो। अब इस पे मैं ऑइंटमेंट लगाती हूँ। सॉरी सृष्टि, वो मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया।
सैमी, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड. कोई ना कोई तुम्हारे आसपास होगा इसलिए तुमने मेरा फोन नहीं उठाया. या सृष्टि. सैमी, मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन प्लीज प्रॉमिस करो ये बात दी तक नहीं पहुंचनी चाहिए. हाँ बताओ. एक्चुअली तुम्हें तो बताया ना मेरी दी का, मेरी दी को अगर मैंने ये बात बोल दी ना तो वो बहुत टेंस हो जाएंगी. और दूसरी बात तो ये है कि वो सच का इतना साथ देती है कि कहीं उनकी खुद की अच्छाई उन पर भारी ना पड़ जाए. क्या बात है सृष्टि, मुझे टेंशन हो रही है, क्या हुआ है? टेंशन वाली ही बात है सैमी, मैं तुम्हें क्या बताऊँ. वो तुम्हें पता है वो लेडी कांस्टेबल जिसका मुझे फोन आया था, जिसके नंबर से दी ने मुझे फोन किया था ये बताने के लिए कि वो बापी वो ट्रक ड्राइवर के पीछे जा रही है, उन्हीं का मुझे फोन आया. उनको दी से बात करनी थी लेकिन उन्होंने मुझे फोन किया बिकॉज मेरा नंबर था ना उनके पास. उन्होंने ये बताने के लिए मुझे फोन किया था कि दी एक नई मुसीबत में फंसने वाली है. इंस्पेक्टर ने प्रीता दी को फरार कैदी डिक्लेयर कर दिया है. व्हाट, क्या बात कर रही हो? हाँ सैमी, यू नो व्हाट, हमें ना भी बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त पुलिस चारों तरफ दी को ढूंढ रही होगी. ये तो बहुत टेंशन वाली बात है सृष्टि, मैं भी जाके करण भाई को इन्फॉर्म करता हूँ. सबसे पहले उनको बताना, सबसे पहले प्लीज. और पता नहीं मुझे ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि पुलिस दी को ढूंढते कभी भी किसी के भी घर पहुंच सकती है. यू नो व्हाट आई मीन. अच्छा सुनो, प्लीज दी का ख्याल रखना और उनको ना पुलिस से बचाए रखना तब तक जब तक वो गुंडा अपना गुनाह ना कबूल कर दे, ठीक है? सृष्टि तुम टेंशन मत लो, जिस तरह तुम बोल रही हो ना वैसा ही होगा, आई प्रॉमिस यू. लेकिन पहले मुझे करण भाई से बात करनी होगी. ओके, कीप यू अपडेटेड. ओके बाय. ओके बाय. मायरा, मायरा क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा देख के लगता है कि हमारा प्लान फेल हो गया. मायरा कुछ बोलो, क्या हुआ? करण ने प्रॉमिस किया था वो मुझसे शादी करेगा अगर मैं प्रीता के फेवर में गवाही दूंगी. मैंने भी उससे कहा था वो जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूंगी. और अभी तक उसके हिसाब से तो मैं वही कर रही थी ना जो उसने कहा था. हम सब खत्म हो गए. मायरा अपना अपना इमोशनल ड्रामा बंद करो. मुझे ये नहीं सुनना कि तुमने करण के लिए क्या किया, करण ने तुम्हें क्या कहा था. मुझे ये बताओ कि तुमने करण को कहा कि वो पुलिस को कॉल करे. उसने कॉल कर दिया ना? मैंने उससे बात की, मना कर दिया उसने. मेरे घर वालों के पास गई मैं, सबको समझाया, ऋषभ ने मना कर दी. और जब मैं यहाँ आ रही थी ना मैंने करण रीता को वहां पर साथ में देखा और वो दोनों तो एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे. मोहरा रोना बंद करो, काम डाउन. इमोशनल ड्रामा नहीं चाहिए तुम्हारा. चल सबको पता चल जाएगा, मैं एक्सपोज हो जाऊंगी, सबको पता चल जाएगा ये सब कुछ छुपी हुआ है. मैंने क्या है, सबको पता चल जाएगा मैं क्या करूँ. मुझे बहुत डर लग रहा है. चले मैंने इतनी बड़ी प्लानिंग करी, सब कुछ किया, क्या क्या नहीं किया मैंने. और अब देखो ना क्या हो रहा है, अगर ऐसा हो गया तो. लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी. मैं एक काम करूंगी, मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी. ऐसे थोड़ी होता है, एक स्टोरी सुनाऊंगी और सबको मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा. कोई विश्वास नहीं करेगा क्योंकि मैं जब आ रही थी ना मैंने देखा वो प्रीता करण एक साथ इतने क्लोज एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे. उनको तो कोई दिख भी नहीं रहा है. मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँगी. काम डाउन, शांत हो जाओ. ऐसा कुछ नहीं होगा. करण और प्रीता वो लोग इतने पास नहीं आ सकते. तुम फिक्र मत करो, मैं कोई सोल्यूशन ढूंढती हूँ. पक्का ढूंढोगी ना सोल्यूशन, तुम कुछ करोगी ना क्योंकि तुम्हें पता है ना. और बापी इस घर में है. देखो हमें कुछ भी करके ना बापी को यहाँ से निकालना है. अगर उसको पुलिस लेने नहीं आई ना और फिर तुम्हें पता है ना क्या होगा, हम दोनों फंस जाएंगे, सबको पता चल जाएगा. तुम समझ रही हो ना? तुम प्लीज कुछ सोचो. इस प्रॉब्लम से हमें बाहर निकालो, ठीक है? प्लीज सोचो. और शोलिन घर वाले वो सोचेंगे मैं कहाँ गायब हो गई है ना. तो मैं काम करती हूँ, मैं नीचे जाती हूँ, मैं 10 मिनट में वापस आ जाऊंगी, ठीक है? तुम प्लीज सोच के रखना, प्लीज 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 कुछ सोचो, ठीक है? आई विल बी बैक. हाँ सोचो.
दर्द हुआ? देखा, अगर ऑइंटमेंट लगाते वक्त फूंक मारते रहो तो भी दर्द नहीं होती। जरूरी नहीं है कि शॉक थेरेपी देनी हो। करण भाई, आपसे दो मिनट बात करनी है, प्लीज बाहर आना। बोल ना। कुछ अकेले में बात करनी है। सॉरी पिता, डोंट माइंड। इट्स ओके। अरे जो बात करनी है प्रीता के सामने बोलना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कोई बात नहीं, वो शायद मेरे सामने बोलने में कंफर्टेबल नहीं होगा, तुम बाहर जाकर बात करो। अरे इट्स ओके, यहीं आके बात कर लेना। बाहर आओ ना प्लीज। मेरे सामने बात नहीं करनी होगी, तुम जाओ बाहर जाकर बात कर लो। ओके। दादू आप? हाँ मैं, बड़ी बिजी थी। कौन मैं? नहीं तो अपने समीर से जो फोन पर बात कर रही थी। अपना समीर? नहीं, हम सब का समीर। क्या बात कर रही थी? कुछ नहीं दादू, बस ऐसे ही। ऐसे ही सृष्टि, देख तो बात को घुमा घुमा के ना टाइम वेस्ट ना कर, मुझे सीधे सीधे बता के बात क्या है। आधी कहानी तो मैंने सुन ली, अब आधी तू बता दे। प्रीता तो जेल में है, फिर समीर उसका ख्याल कैसे रखे? क्योंकि दादू दी अभी इस वक्त लूथरा हाउस में है। पर वो तो पुलिस की कस्टडी में थी, वहां से कैसे भाग गई? दादू मैं आपको ना सब कुछ शुरू से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? मैं आपको सब बता रही हूँ। आपको पता है ना मैं लूथरा हाउस गई थी करण सर के साथ झगड़ा करने के लिए। वहाँ पर मुझे समीर और ऋषभ जी भी मिल गए, बट करण सर ने उनको भगा दिया। उसके बाद मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें क्लीन चिट के साथ इस केस से बरी कराऊंगा। मैं बस अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ। देख सृष्टि, मैंने तो सारी बात सुन ली है, लेकिन एक काम कर, ये बात तू सरला को ना बताना। वैसे तो मुझे भी सरला की तरह करण पर विश्वास नहीं है कि वो हमारा साथ देगा, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मेरा दिल ये कहता है कि वो हमें धोखा नहीं देगा, हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। अरे दादू आप कितने कंफ्यूज्ड हो यार, आप दो दो बातें कर रहे हो। एक बार आप कह रहे हो कि आपको करण पे विश्वास नहीं है और दूसरा आप कह रहे हो कि है, मतलब? अरे बेटा ये सारी दुनिया ही दो दो बातों पर टिकी हुई है, एक दिमाग की बात एक दिल की बात। इंसान का दिमाग जो कहता है उसमें बहुत से सवाल होते, लेकिन इंसान का जो दिल है वो बड़ा होके सोचता है, और दिल और दिमाग की जंग में दिल हमेशा जीत जाता है। समझ रही है ना? माँ के दिल का दर्द दिमाग नहीं समझ सकता। समझ गई ना? हाँ दादू, आई लव यू। दादू लूथरा उससे फोन है। बात कर, शायद प्रीता का होगा, मुझसे बात कराना। हेलो दी, कैसे हैं आप? सृष्टि मैं ठीक हूँ, घर पे सब कैसे हैं? माँ कैसी है? माँ ठीक है दी। और दादी? मुझे तुम सबकी बहुत याद आ रही है और बहुत फिक्र भी हो रही है। मुझे पता है कि मुझे लेकर सबको बहुत टेंशन हो रही होगी, लेकिन मैंने तुझे जो कहा है वो कर रही है ना। किसी को ज्यादा फिक्र मत करने दियो, कहीं ऐसा ना इतनी फिक्र और चिंता करने से दादी या माँ जैसे किसी की तबीयत खराब हो जाए। समझ रही है ना? मेरी फिक्र छोड़, फिक्र तो तेरी भी बहुत हो रही है। दादी देख बेटा, पहले तुम दोनों बहनें मुझसे कोई बात नहीं छुपाती, लेकिन अब सारी बातें तुम लोग छुपा जाते हो। बड़ी मुश्किल से इस सृष्टि से मैंने बात उगलवाई है। तू जेल से भाग गई। खैर जो कुछ भी हुआ मैं बहुत खुश हूँ, और जिस जगह तू पहुँच गई वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन दादी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो भी कर रही हूँ शायद ठीक नहीं कर रही। नहीं बेटा, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी ये कहा है कि सत्य को जीतने के लिए कई दफा हमें झूठ का रास्ता लेना पड़ता है, और आजकल के इस कलयुग में जहाँ राम से ज्यादा रावण है, बेटा अपने को सही साबित करने के लिए कई दफा झूठ का रास्ता अपनाना पड़ता है। इस वक्त तू मेरे सामने होती ना जोर की झप्पी पाती। मैं भी दादी। जल्दी चलो बाहर, पुलिस आई है, आओ। क्या हुआ बोल ना यार, ऐसी कौन सी बात थी जो प्रीता के सामने नहीं बोल पाया तो? करण भाई एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या ऐसी प्रॉब्लम? सृष्टि का फोन आया था।
समीर, सृष्टि का फोन आया था, ये बात तू प्रीता के सामने भी बोल सकता था। भाई बात ये नहीं है, बात कुछ और है। क्या बात है? वो सृष्टि ने फोन करके बताया कि जो लेडी कांस्टेबल है ना, जिसने प्रीता की भागने में हेल्प की थी, उसने सृष्टि को फोन करके बताया। पुलिस ने प्रीता को फरार कैदी डिक्लेयर कर दिया। व्हाट? हाँ भाई, और ये भी बताया कि पुलिस प्रीता को हर जगह ढूंढ रही है, सब जगह नाकाबंदी लगा रखी है। अभी घर आते टाइम जो नाकाबंदी हमने क्रॉस की थी ना, वो प्रीता को ढूंढने के लिए थी। किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि प्रीता हमारे घर पर है, किसी भी हाल में नहीं। आप करण भाई टेंशन मत लो, यहाँ पर कोई भी नहीं बताएगा पुलिस को कि प्रीता यहीं पर है। लेकिन भाई हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, ये पुलिस का मैटर है। वैसे तूने अच्छा किया, ये बात तूने प्रीता के सामने नहीं बोली। प्रीता अरोड़ को बुलाइए। नहीं पर प्रीता को तो आप, अरे देखो बीजी ये कैसी बातें कर रही है, ये कह रहे हैं कि प्रीता फरार हो गई है और उसे हमने घर पे छुपा रखा है। ऐसी बात नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि प्रीता कहाँ है। मुझे पक्का यकीन है कि आपकी बेटी यहीं पर इसी घर में है और आपने उसको छुपा करके रखा है, और आप मुझसे झूठ बोल रही है कि आपको पता नहीं आपकी बेटी कहाँ है। इंस्पेक्टर साहब वो इस घर में नहीं है, प्रीता को हम क्यों छुपाएंगे? इंस्पेक्टर साहब आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, मेरी बहन जी कभी झूठ नहीं बोलती, और बाय मेहरबानी इनसे इज्जत से बात करिए। और ये लड़की, इसका चेहरा देखिए, जिस तरह से रिएक्ट कर रही है उसे साफ लगता है कि इसको मालूम है कि इसकी बहन कहाँ है और कहाँ छुपी हुई है। इंस्पेक्टर साहब आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, आपके इस तरह के बर्ताव से वो बच्ची घबरा गई है। वो बच्ची है और उसको नहीं पता कि प्रीता कहाँ है, उसको क्या, हमें किसी को भी नहीं पता। आपसे विनती है आप यहाँ से चले जाइए। जी नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पर प्रीता को ढूंढने आया हूँ, और जब तक उसको ढूंढ नहीं देता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। जाओ तलाश करो। एक सेकेंड, आप ऐसे किसी तलाशी के लिए नहीं भेज सकते। आपको क्या लगता है हमने इस घर में छुपा रखा है प्रीता को? आप उसे वहाँ कोर्ट से लेकर गए थे ना जीप में, आपको उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाना था, और आप मुझे कह रहे हैं कि इस घर में है प्रीता? मैं आपसे कहती हूँ कहाँ गई मेरी बच्ची, आप मुझे मेरी बेटी लाकर दीजिए। अच्छी एक्टिंग कर लेती है मिसेज अरोरा, आपको आपकी बेटी वापस चाहिए ना? ठीक है तो मैं आपको आपकी बेटी यहीं पर वापस लाकर दूंगा। घर का कोना कोना चेक करो। यहाँ नहीं इंस्पेक्टर साहब, अब यहाँ का सर यहाँ कोई नहीं मिली। ऐसा कैसे हो सकता है, घर का कोना कोना चेक करो, यहीं पर होनी चाहिए वो। मिली सर, सब जगह ढूंढा पर प्रीता अरोड़ा कहीं नहीं मिली। आपके पास सर्च वारंट है तो दिखाइए। देखिए मैं अच्छे से जानता हूँ कि प्रीता अरोड़ा इसी घर में है, बस एक बार वो हमारे हाथ लग जाए ना तो उसके साथ साथ आप सब भी हमारी कस्टडी में होंगे। क्या चेक करो सही से। अरे अरे हाथ तो गई, अरे क्यों नहीं मान रहे? अरे जब मैंने आपको बोला है कि नहीं यहाँ पर है नहीं तो आप क्या, एक्सक्यूज मी, आप कहाँ ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो मुझे? अरे वहां पर कोई नहीं है, वहां पर खिड़की है। बारा सर यहाँ नहीं मिली। सर नहीं मिली वो। मैंने आपसे कहा था ना कि वो इस घर में नहीं है, आप मेरी बात ही नहीं मान रहे हैं। ठीक है मैडम, अभी तो हम यहाँ से जा रहे हैं, बस एक बार प्रीता अरोरा हमारे हाथ लग जाए और अब तो उस पर फरार कैदी का भी चार्ज लगेगा। उसे सिर्फ 10 साल की सजा नहीं होगी, उससे भी ज्यादा सजा होगी। चलो माँ, मुझे ऐसे क्यों देख रही है? पृथ्वी का फोन लग ही नहीं रहा, कब से ट्राई कर रही हूँ। अरे हद है, क्या जरूरत थी उसे इंडिया से बाहर जाने की, यहाँ होता तो कम से कम मेरी मदद तो कर देता। पता नहीं मैंने जो किया वो सही किया या गलत, लेकिन वो प्रीता, प्रीता नाम की मुसीबत को मैं अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकालना चाहती थी। उसके लिए मुझे जो करना पड़ा मैंने किया, लेकिन अब लगता है मुझसे गलती हो गई। जो जाल मैंने प्रीता के लिए बिछाया था मैं खुद ही उसमें फंसती जा रही हूँ। और मायरा कहती कि शालिन तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं उसे क्या बताऊं, मुझे बहुत फर्क पड़ता, मेरी पूरी की पूरी जिंदगी दांव पर लगी है, क्या करूं? पृथ्वी को फिर से फोन ट्राई करती हूं। शालिन जी तुम्हें लूथरास को कैसे टॉलरेट कर लेती हो? मुझे तो मायरा के लिए अभी से टेंशन हो रहा है। क्या हुआ आंटी? मैंने अभी अभी समीर को करण से बात करते हुए सुना, उसने सृष्टि से क्या बात की उस बारे में,
क्या इन लोगों को समझ में नहीं आता कि इस घर में कोई भी अरोड़ा से बात नहीं करना चाहता, कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहता, फिर भी एन, क्या तुम्हें पता है प्रीता फरार कैदी घोषित कर दी गई है। व्हाट? प्रीता फरार घोषित? आई मीन दैट्स सम वेरी बैड न्यूज फॉर प्रीता। दैट्स माय पॉइंट। मेरे कमिया, गिव मी अ हग। जो बात तुम्हें इतनी आसानी से समझ में आ जाती है, इन लूथरास को क्यों नहीं समझ में आता? कर्ण ने तो बोल दिया कि उस गुंडे को घर में रखेंगे जब तक ना होश आएगी, होश आने के बाद उसे पूछताछ करेंगे। डस दिस, अभी कोई खानदानी पढ़ा लिखा लड़का जो एक एस्टैब्लिश्ड क्रिकेटर है वो गुंडे के पीछे जाता है? अच्छा गया, उसे खुद पकड़ भी लिया, उसके बाद तो पुलिस को फोन करो नहीं, उसे लेके यहाँ पर आ गया फिर पुलिस को फोन करो नहीं, और अब इस घर में कोई भी पुलिस को फोन नहीं कर रहा है। एंड टू टॉप इट ऑल, दिस लूथरा ब्रदर्स, अब ये लोग एक फरार कैदी को कैसे पुलिस से पूरी दुनिया से प्रोटेक्ट करें इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे नहीं लगता कि इस घर से कोई भी पुलिस को बुलाने वाला है। इट्स कंप्लीटली रिडिकुलस। हेलो, पुलिस स्टेशन? जी हाँ। मुझे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी। कैसी इन्फॉर्मेशन? वो जो लड़की है ना जिसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चल रहा है, जो आपकी कस्टडी से भाग गई, जिसने माहिरा खन्ना को ट्रक के सामने धक्का दिया था, उसे लूथरा हाउस में जाते हुए देखा गया। What did you just do? ये क्या किया माहिरा? ये क्यों किया? मॉम, मैंने ये बिल्कुल सही किया है, एकदम सही है ये। Promise me, आप किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। लूथरा फैमिली में किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए। चल। Yeah, sure. Oh, promise, please. Okay, calm down, calm down, come here. कहाँ थी तू? बोला था ना मैंने, वो रूपाली ने कहा था ना मैं करण सर से झगड़ा करने गई थी बस। कहाँ थी तू सृष्टि? सृष्टि जा, तू जाकर अंदर थोड़ा आराम कर ले, जा, कह रही हूँ ना अंदर जा। पीछे इसे पता है कि प्रीता कहाँ है, और तू भी अपनी लड़की को जानती है ना, अगर वो ठीक ठाक घर में हम लोगों के पास खड़ी है तो इसके मतलब प्रीता भी सही है, क्योंकि अगर प्रीता सही ना होती तो सृष्टि यहाँ ना खड़ी होती। आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सरला, मैं ये कह रही हूँ कई दफ़ा जो बातें समझ में आती हैं उनको कहना ज़रूरी नहीं होता, उनको समझना ही अच्छा होता, मन में ही रखो। हाँ सरला, कई बातें जो ना कही जाए तभी ठीक रहती। जानकी, मेरी दवाई का टाइम हो गया, जा लिया। क्या कर रहा तू? पैसे ढूंढ रहा हूँ, मिल जाएंगे तो लूट लूंगा। शेम ऑन यू ऋषभ, एक बेहोश आदमी के पैसे निकाल रहा है। अरे उसके पास है क्या चोरी करने के लिए, उसका चोरी करूंगा? मजाक कर रहा हूँ, चिल कर, रिलैक्स कर। हाँ तो मैं भी तो मजाक ही कर रहा था। अरे तुम बोल रहे हो वैसे ऋषभ भैया, अगर आप असली में चोरी मतलब आप ऑफिस से थोड़ी चोरी तो ना करोगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे हो भाई? मजाक कर रहा कि पंच लाइन मार रहा? अरे नहीं 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 ऋषभ भैया, मैं आपके साथ कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं तो आपको अच्छे से जानता हूँ ना, आप कोई भी काम ऐसे बिना वजह नहीं करते। आप कुछ ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली कोई ऐसी चीज ढूंढ रहे हो जो हमारे काम आएगी। मुझे पता है मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, सबूत कि प्रीता जी को उनके केस में हेल्प मिले, कुछ नंबर, कुछ आईडी, कुछ फोन, कुछ कुछ तो मिले जो केस में हेल्प हो। कुछ मिला? हाथ में कुछ दिख रहा है मेरे? तू फिक्र मत कर, समझा, जो तुझे इसकी जेब में नहीं मिला ना वो इसकी जबान उगलेगी। उत्तर ये बड़े पक्के ढीठ गुंडे होते हैं, मुझे नहीं लगता ये मुंह खोलने वाला है। मम्मी जी, अगर इसने नहीं माना ना कोई बात नहीं, मेरे ये दो बेटे हैं ना उससे सारी सच्चाई उगलवा के ही रहेंगे, और मानो कि उसने सच्चाई नहीं उगली तो फिर मेरे दोनों बेटे उसकी ऐसी पिटाई करेंगे, ऐसी पिटाई करेंगे कि उसे सच बोलना ही पड़ेगा। ठीक है पुत्र,
पुत्र मुझे आई है नींद, मैं जा रही हूँ सोने। लेकिन एक बात सुन, ये जो तू कर रहा है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मैं तेरा साथ दे रही हूँ क्योंकि तू मेरा प्यारा पोता है और मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। इसलिए तो आपको अपनी गर्लफ्रेंड बनाया मैंने। गर्लफ्रेंड नंबर वन, आई लव यू। बदमाश। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट मामी जी। सैमी, ये समीर अचानक से यहाँ से चला क्यों गया? मामी जी, मुझे ना थोड़ी सी फिक्र हो रही है। ये जो हो रहा है घर में वो तो हो रहा है, लेकिन आप ये सोचिए ना कि प्रीता और सृष्टि की फैमिली पे क्या असर पड़ रहा होगा इस वक्त। कृतिका है तो मेरी बेटी, लेकिन मुझसे ज्यादा भाभी की बात मानती है और हर उस इंसान से प्यार करती है जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ, जैसे वो सृष्टि अरोरा।